नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। बोरखेड़ा गांव के शासकीय स्कूल में छात्रा गणवेश में स्कूल नहीं पहुंची, मैडम ने बाल पकड़कर बुरी तरह से पिटाई, परिजनों ने थाना पहुंचकर दिया शिकायती ज्ञापन की उचित कार्रवाई की मांग। आष्टा के एक पेंटर ने लिया अनोखा संकल्प, जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक लिखते रहेंगे जय श्री राम, जिस दिन हुआ निर्माण शुरू वैसे ही ले लेंगे ब्रश और कलर से संन्यास। नरसिंहपुर NH-26 पर वाहनों से अवैध वसूली करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार, 6 आरोपी हुए फरार, रोड सुरक्षा के नाम पर करते थे अवैध वसूली। एक छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल क्या नहीं पहुंची, शिक्षक ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला नसरुल्लागंज ब्लॉक के ग्राम बोरखेड़ा कला के शासकीय स्कूल का है। छात्रा ने थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में छात्रा सलोनी पिता रामनिवास पनवार ने आरोप लगाया कि वह 17 जनवरी को किसी कारणवश गणवेश पहनकर नहीं जा पाई। इस बात से शाला प्रभारी हेमलता परिहार ने बुलाकर अपशब्दों का उपयोग करते हुए पूछा कि तुम गणवेश पहनकर क्यों नहीं आई हो। कारण सुने बिना मैडम ने छात्रा के बाल पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद छात्र ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई। परिजन छात्रा को लेकर थाना नसरुल्लागंज पहुंचे और थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। सलोनी पवार। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। कौन से क्लास में? 10वीं। आपके साथ 17 तारीख को क्या घटना हुई थी? मैंने जींस टॉप पहन के गई थी तो मैडम ने मुझे हाथ पर और है ना बाल रोच दिए और चाटे मारे। कौन सी मैडम ने मारे? परिहार मैडम। क्या बोला आपसे उन्होंने? जींस टॉप क्यों पहनते? क्या नाम है आपका? रामनिवास। आपने आवेदन दिया थाना प्रभारी को किस संबंध में दिया? बच्चे को उनकी मैडम ने ड्रेस पर से कहा कि आपने ड्रेस पहन के क्यों नहीं है, तो गुड़िया ने बोला कि घर पे सूख रही है, तो मैडम मैं इस पर आ गई। मैडम ने थोड़ी देर बाद इसको बुलाया उनके साथ कि ऐसा है वैसा है, आप पहन के क्यों नहीं आए, आपके माता पिता ढो रहे हैं क्या? तो गुड़िया कुछ नहीं बोली उनसे, तो फिर मैडम उठी उनके बाल पकड़ के दीवार में टकरा दिया और होती हुई गुड़िया घर आ गई वापस। थोड़ी देर बाद वहाँ से आने के बाद में मैं तो काम पे चला जाता हूँ, मैं आया रात को, जब गुड़िया में बाहर उठा तो गुड़िया सोई नहीं, तो मैंने इनकी माँ से पूछा उनकी गुड़िया कुछ सर दर्द है, कोई परेशानी है कोई, तो क्या परेशानी नहीं, मैडम ने मार दिया। अपना नाम और पद बताएं पहले। वरिष्ठ अध्यापक। वरिष्ठ अध्यापक हैं आप यहाँ पे। ये 17 तारीख को जो बच्ची के साथ घटना हुई, क्या रहा पूरा घटनाक्रम? कोई घटना नहीं हुई भैया, नॉर्मली बच्ची आई, मैंने पूछा बेटा ड्रेस पहन कर क्यों नहीं आई हो, वो यहाँ से भाग लगाई उसने और वापस बाकी बच्चे जो थे वो घर चले गए, वो वापस आई और आकर वो बढ़िया उसने ड्रेस चेंज कर कर आई, बढ़िया पढ़ाई की उसने। लेकिन उसने जो थाने में जाके शिकायत करी जिसमें कि मैडम ने मेरे को बाल पकड़ के मारा है और हाथों से भी मारा है और मेरे को चोट भी आई है, ये बताया? ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, मैंने ना तो मारा है और ना कोई चोटें। बच्ची कौन सी क्लास की छात्रा? 10th क्लास। सीहोर जिले के आश्रम एक पेंटर ने अनोखे तरह का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक वो सबके घरों पर जय श्री राम लिखते रहेंगे। उनका कहना है कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा वह ब्रश और कलर से संन्यास ले लेंगे। इसी मंशा के साथ आष्टा के ओम पेंटर नाम के युवक ने अनोखा संकल्प लिया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से राम मंदिर निर्माण का समर्थन करना चाहते हैं, कोई चावल पर जय श्री राम लिखता है तो कोई रंगोली से। आष्टा नगर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जहां पर 60 वर्षीय ओम पेंटर निकल पड़े हैं। ओम पेंटर से बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रण लिया है कि जब तक श्री राम मंदिर नहीं बनता है तब तक सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक वह इसी प्रकार से हर दीवार पर जय श्री राम लिखेंगे और जिस दिन राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ उसी दिन अयोध्या जाकर ब्रश और कलर से संन्यास ले लेंगे। भगवान राम का स्थान सुरक्षित करने और उनके प्रति आमजन में आस्था को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। उनका कहना है कि वह कहां तक सफल होंगे ये समय बताएगा, लेकिन इस बात की खुशी है कि उन्होंने भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनाने के लिए कोई प्रयास किया। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश विश्वकर्मा है, ओम पेंटर से नाम जानते हैं मेरे आष्टा के अंदर। ओम जी, यहां पर आप लोग आप सभी दीवारों पर जय श्री राम लिख रहे हैं, क्या संकल्प है आपका? मेरा संकल्प ये है कि धर्म के प्रति संकल्प है, भगवान राम की से श्रद्धा है मेरी,
तो मैंने ये विचार करा, एक दिन अचानक मेरे विचार आया कि राम जी के क्यों नहीं अपन पूरा जीवन तो साला अपने कर्म में गुजार दिया, अब भगवान राम के लिए ही कुछ करें। तो मेरा उद्देश्य है कि जब तक श्री राम का राम मंदिर ना अयोध्या में नहीं बन जाए, तब तक के लिए मैं जो है ये संकल्प ले लिया है कि जब तक मेरी कलम और कलर दोनों नहीं रुकेंगे, जब तक वो जिस दिन घोषणा हो गई मंदिर की उस दिन अयोध्या जाके और भगवान श्री राम के चरण में डिब्बे और कलम बुरुस रख के इससे संन्यास ले लूँगा। नरसिंहपुर NH 26 पर वाहनों से अवैध वसूली करते हुए दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 6 आरोपी मौके से फरार हो गए। ये आरोपी रोड सुरक्षा के नाम पर रेडियम लगाने की 300, 500 और 1000 रुपए तक की रसीद काटते थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध वसूली करने वाले आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। नरसिंहपुर जिले में एक्सीडेंट हुए तो कैजुअल्टीज हुई थी, उस पर आवाज़ सामने आई थी। पत्रकार बंधुओं ने भी कहा था कि रेडियम ना होने के कारण कैजुअल्टीज हो रही हैं। इस बात को लेकर रेडियम लगाने के लिए एक एजेंसी द्वारा कि गरीब किसानों के जो ट्रैक्टर से इनमें फ्री में रेडियम लगाने के लिए और जो वाहन निकलते हैं 20-30-50-100 रुपये में रेडियम लगाने के लिए बताया गया, किंतु जब यह पता चला कि ये बड़े पैमाने पर 300-500-1000 रुपये की रसीद काट के वसूली कर रहे हैं तो इनको दबिश दी गई और वहाँ पे टोटल 8 लोग थे, 2 लोग पकड़े गए, 6 लोग भाग गए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनके खिलाफ 384 का केस अपराध पंजीबद्ध कराया गया और कार्रवाई की जा रही है। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में भाजपा विधायक रवि शर्मा की मां ठगी का शिकार हो गई। ये ठग क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर विधायक की मां से लगभग 2 लाख के सोने के गहने लेकर भाग गए, जिसकी शिकायत मिलने पर सदर विधायक समेत पुलिस की टीम वहां पहुंची। विधायक की मां ने बताया कि वह फूल लेने के लिए घर से बाहर गई थी, तभी वहां एक युवक आया और उसने स्वयं को क्राइम ब्रांच से बताते हुए कहा कि अधिकारी उससे कुछ बात करना चाहते हैं। इस पर वह उसके पास चली गई, जहां उसने कहा कि इस समय लोगों के आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने जो भी सोने के गहने पहने हुए हैं उन्हें उतार कर रख ले। बातों में आकर उन्होंने सभी गहने उतार लिए। इसके बाद ठगों ने जेवर लेकर एक कागज में लपेट कर उन्हें वापस दे दिए। जब महिला ने घर आकर देखा तो कागज में नकली जेवर निकले। फिलहाल पुलिस ठगों की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मैं बाहर जैसे ही दरवाजे पर निकली बाहर तो बगल में फूल लेने गई तो एक वहाँ पर खड़ा था लड़का मोटरसाइकिल पे और एक लड़का हमारे पास आया, बोले वो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाती, तो मैं दरवाजे तक गेट तक आ गई। जब मैं अपने गेट पे आई तो वो लड़का पीछे से फिर आ गया, बोले नहीं नहीं आपको बुला रहे वो, ठीक है। उनका चलो देखते क्या कह रहे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो बोले यहाँ पर केस हो गया, वो चक्कू मार के लूट लिया, यहाँ चेन उतरवा ली, जेवर पूरे छोड़ लिया यहाँ पर रात को। वो बोले कल दिन में हुआ ये केस, इसलिए आप लोगों को मैं क्राइम ब्रांच से आया हूँ, मैं यहाँ का ऑफिसर हूँ और आप लोगों को यहाँ पर ये जेवर और सोने का पहन के नहीं रहा। हमका मेरा घर है यहाँ पर, मैं कहीं दूर नहीं। तो बोले नहीं नहीं ये आपको हमारे साथ एक लड़के को और उन्होंने इंक्वायरी करी, उसको निकलवाया और मेरे से बोले नहीं आपको ये उतारना पड़ेगा। मैं उतार के चेन हाथ में ले ली, जब मैंने चेन हाथ में ली आप कड़े उतार दो, चूड़े पहने थे, बोले ये भी उतार दो, तो वो भी हाथ में पकड़ लिए। बोले लाओ मैं आपको इसमें रख के देता पुड़िया में और वो नहीं तो गिर जाएंगे आपसे। हमका मैं जाना बगल में कहाँ से गिर जाएंगे हमारे, और नहीं नहीं फिर भी आप दो मैं रख देता हूँ। उनने वो पुड़िया रख ली हमारी और ये पुड़िया हमको जिसमें ये कड़े हैं ये पुड़िया हमको पकड़ा दी, मैंने देखा नहीं और मैं घर लेके चली आई बस। उसके कितनी कीमत क्या होगा आपकी जेल की? कीमत होगी 1.5-2 लाख। सीहोर में नगर पालिका अध्यक्ष अमिता अरोरा जहां अपना जन्मदिन मनाने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर आवास योजना की किस्त नहीं मिलने से त्रस्त शहरवासियों ने कलेक्ट्रेट में अमिता अरोरा और जसपाल अरोरा मुर्दाबाद के नारे लगाए और कलेक्टर को जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपा। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सार प्रदेश।